नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर बताएंगे कि चाइना ने एक बार फिर से भारत को धोखा देने की कोशिश की है और उसके बाद भारत की ओर से भी जबरदस्त जवाब दिया गया है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह केस के मामले को लेकर अब मामला भारत सरकार के हाथ में पहुंच गया है। केंद्र सरकार जांच करना शुरू कर चुकी है और ऐसे में दोस्तों इसी के साथ पाकिस्तान को अमेरिका ने लगाई एक और बड़ी फटकार, वो भी जानकारी तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर समर्थन करना चाहते हैं और इसी के साथ में राम मंदिर बनने से अगर आप भी खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पेंगोंग में चीन ने बढ़ाई अपनी एक बार फिर से ताकत, अतिरिक्त सेना और बोट तैनात किए हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए अपनी और से भी सैनिकों को बढ़ाने का फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि 14 जुलाई को बातचीत के दौरान चाइना ने कहा था कि वो पेंगोंग सो लेक के पास से अपने सैनिकों को हटा लेगा, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 28 और 29 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीर में साफ हो गया है कि चाइना ने पेंगोंग झील के पास अपनी सेना और बढ़ा दी है। कुल मिलाकर इससे पहले 8 बोट देखे जा रहे थे और अब उनका आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। यानी सीधे तौर पर चाइना एक बार फिर से भारत को धोखा देने की स्थिति में आ रहा है और ऐसे में भारत सरकार ने भी पूरी तरह से कह दिया है कि उन्होंने भी अपनी सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी है। कुल मिलाकर भारत सरकार 35,000 से अतिरिक्त सेना की तैनाती इस क्षेत्र में बढ़ाने वाली है और चाइना को एक बार फिर से मकूल जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि 15 अगस्त के अंदर इस बार चाइना विजय के तौर पर मनाया जाएगा, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और जय हिंद जरूर लिखिएगा। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बॉलीवुड माफिया और कांग्रेस पार्टी की महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लगा है तगड़ा झटका। दरअसल दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत मामले में भारत सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने दर्ज किया है मुकदमा और अब ये पूरा मामला भारत सरकार के अधीन ईडी के अंदर पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस के मामले को लेकर लगातार लोगों के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है और आखिर ये पूरा मामला केंद्र सरकार की जांच एजेंसी के पास पहुंच गया है, जिसकी मांग लगातार लोग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक्टर सुशांत कुमार सिंह आत्महत्या मामले की जांच में और तेजी आ गई है। मुंबई और बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले की पहले ही जांच की है, जिसमें महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार और उनकी पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे और अभी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गया है। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए केस दर्ज किया है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और एफआईआर की कॉपी पटना पुलिस से मांगी गई है। रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा हुआ है। एक और जानकारी सामने है, जहां पर लद्दाख में चीन की आक्रामकता और भूटान में जमीन पर दावा बताता है कि चीन के क्या मंसूबे हैं। माइक पोम्पियो की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर से चाइना को भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में बीजिंग की आक्रामकता और भूटान की जमीन पर दावा करने पर चीन के मंसूबों पर निशाना साधा है। माइक पोम्पियो ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति सी जिनपिंग के नेतृत्व में बीजिंग पूरी दुनिया को टेस्ट कर रहा है कि कोई उसके लिए खतरा है या नहीं है, कोई उसके धमकी के सामने खड़ा होगा या नहीं होगा। लेकिन उसको इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर चाइना ने जिस तरह से कोरोना वायरस फैलाया है, उसके बाद से पूरा देश, पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो गई है। और ऐसे में दोस्तों अमेरिका एक बार फिर से कड़े और सख्त लहजे में चाइना को हिदायत देते हुए दिखाई दे रहा है। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और उनसे जुड़े हुए समर्थक पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चाइना के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। उन लोगों का मानना है कि 59 चाइना के ऐप बंद होने और उसके बाद 47 चाइना के ऐप बंद होने के बावजूद भी चाइना पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मोदी सरकार हर एक सेकेंड चाइना को झटका दे रही है। इस कड़ी में 2,000 करोड़ रुपए का झटका चाइना को अब तक दिया जा चुका है। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया उनके अपने एजेंडे पर जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में इकोनॉमी की हालत को और मजबूत करने के लिए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने कलर टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी चाइना से आने वाले कलर टीवी पर बैन लगा दिया गया है, जो सीधे तौर पर भारत के अंदर बना रही कंपनियां जो भारत के अपने लोगों की है उनके लिए काफी ज्यादा फायदे वाला सौदा है। और सीधे तौर पर भारत के अंदर भी कलर टीवी जिस स्तर पर बन
रही हैं और ज्यादा बड़े स्तर पर बनेंगी और भारत के लोग इसे खरीदेंगे तो उन सभी से भारत की कंपनियों को फायदा होगा और भारत की कंपनियों को फायदा यानी भारत की सेना को फायदा और भारत की सेना अगर मजबूत होगी तो भारत अपने आप मजबूत हो जाएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर गूगल और फेसबुक को खबरों के लिए ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को करना होगा भुगतान। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल दोस्तों एक नई तरह की खबर सामने आ रही है जहां पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फेसबुक और गूगल को समाचार लेखों से पैदा होने वाले रेवेन्यू को साझा करने का आदेश दिया है। आदेश कहता है कि विश्व में उठाया गया पहला कदम है जो डिजिटल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं उन पर भी सरकार की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सरकार को इन बड़ी बड़ी कंपनियों से भी टैक्स लेना चाहिए ताकि जिससे जनता का फायदा हो सके, और वैसे भी ये सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूली होनी चाहिए जिससे भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बारे में आपका क्या कुछ कहना है जरूर लिखकर बताइएगा। और एक और जानकारी सामने है जहां पर ईशा निंदा में नागरिक की हत्या पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। हम आपको बता दे कि इस्लामिक कानून से देश चलाने वाले पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने फटकार लगाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को विवादित कानून में बदलाव करने का फरमान दिया है। हम आपको बता दे दोस्तों कि अमेरिका के नागरिक नसीम के परिवार के साथ एक दर्दनाक घटना हुई जहां पर पाकिस्तान के अंदर एक ईश निंदा नाम का कानून है जिसके तहत अल्लाह इस्लाम या फिर धर्म की बुराई करने वालों को मौत की सजा दी जाती है, और इसी कानून के तहत अमेरिका के नागरिक को सजा दी गई है। जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा है कि वह इस तरह के कानून को बदले वरना उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि इस कानून का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर अहमदिया समाज के लोगों और हिंदू सिख और ईसाई समाज के लोगों के खिलाफ की जाती है और इसका बड़े स्तर पर मिसयूज किया जाता है। सीधे तौर पर पाकिस्तान के अंदर आज भी इस्लामिक कानून के तहत पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान के कट्टरवाद का ये सीधे तौर पर एक बड़ा ही और शर्मनाक नमूना है। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान उधर से उधर पाकिस्तान तमाम कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सीनेट ने आर्थिक कार्रवाई कार्यबल यानी FATF द्वारा तय की गई सख्त शर्तों से संबंधित दो विधायकों को दो कानूनों को सर्वसहमति से पारित किया है। इससे पहले इन विधायकों को नेशनल असेंबली में विपक्ष के मुखर विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान उनके द्वारा बताए गए 23 से ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में डाला गया है, यानी ग्रे लिस्ट का मतलब यह है कि पाकिस्तान को बाहर से जो लोन मिलेगा चाहे वर्ल्ड बैंक का लोन हो या फिर IMF का लोन हो वो काफी मुश्किल से मिलता है, और अगर ऐसे में ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को कर दिया गया तो बाहर से उसको फाइनेंशियल मदद ही मिलनी बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान इससे बचने के लिए लगातार अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसके द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर कोई विश्वास कर नहीं सकता। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों ज्यादा दिन नहीं चलेगी महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन सरकार, दलों के अंदर आपस में एकता ही नहीं है। राज ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया है। राज ठाकरे की ओर से ये स्पष्ट बात कही गई है कि महाराष्ट्र के अंदर जो अंतर विरोध से जूझ रहा महागठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही है वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें शिवसेना, NCP, कांग्रेस पार्टी सब अपने हितों को साधने में लगी हुई है, किसी को जनता की फिक्र नहीं है, और इसीलिए तीनों पार्टियों के बीच में इतने मतभेद होने के बाद भी एक साथ मिलकर सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। और हर दूसरे दिन ये खबर सामने आती है कि एक नेता दूसरे से नाराज हो गया है, तीसरा चौथे से नाराज हो गया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी पूरी तरह से तय है। अब ये देखना होगा कि 2 महीने लगेंगे या 3 महीने लगेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में एक बार फिर से भगवा लहराएगा, इसमें कोई भी दोराई किसी को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और समय बताइए कि कब महाराष्ट्र के अंदर भगवा लहराने वाला है। और एक और जानकारी है जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच करेगी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई। हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय मूल के कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर पाकिस्तान सरकार के द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को 2 सदस्यीय पीठ का गठन किया है। पाकिस्तान के मीडिया ने ये बात कही है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी न्याय होगा इसकी कामना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जब सरकार ही मिलिट्री के अंदर काम करती है तो वहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल होगा ये तो आप जानते ही होंगे। और ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि भारत सरकार आगे क्या कदम उठाती है। हालांकि भारत सरकार को बड़ी सफलता तब मिली थी जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत को जीत मिली और बाद में पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और पूरे मामले पर अपने कोर्ट की प्रक्रिया चालू करनी पड़ी है। इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। और एक और जानकारी है जहां पर भारत चीन
चीन पर अमेरिका के सीनेटर का बयान है। कहा दोनों देश अमीर हो गए लेकिन खुद को बताते हैं विकासशील। अमेरिका के सांसद की ओर से ये जानकारी और ये बयान दी गई है, जिसके क्या मायने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों एक और जानकारी की माने तो अमेरिका से जंग लड़ना चाहता है चीन। साउथ चाइना सी में उतारे शक्तिशाली बॉम्बर। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में 2 हफ्ते पहले युद्ध पोत निमिट्ज के साथ अभ्यास किया था, जिसका जवाब अब चीन की तरफ से आया है। चीन ने H-6G और H-6J शक्तिशाली बॉम्बर के साथ अभ्यास किया है। कुल मिलाकर चाइना भी पूरे मामले को नया तूल देता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अमेरिका चीन के बीच में जल्द ही टकराव की स्थिति सामने आ सकती है, क्योंकि अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और चाइना की ओर से भी लगातार अपने दावे को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होना पूरी तरह से तय है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर भारत की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, भारत अपनी किस तरह की भूमिका रखता है। आप लोग देख रहे थे आप लोगों का अपना